अच्छा, भुलक्कड़ माँ और भुलक्कड़ बाप कौन है दोनों में से? शुरू में बहुत अच्छी मेमोरी थी, हाँ। मैं भुलक्कड़ था, हाँ। अब मेरी बेहतर हो गई है, भुलक्कड़ हो गई है, अब हुई है। जब 28 साल गुजरे उनकी मेमोरी, मेरी मुझे याद ही नहीं रहा, भूल जाना चाहता। मेरी हमेशा से बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा जवाब। अच्छा, आप दोनों में से मेरी मेमोरी जीरो जीरो बापरे। हाँ, अभी आप पूछेंगे कल रात को क्या खाया था, he will not remember, ठीक है? मेरी मेमोरी जरा मेरे काम के हवाले से यही होता है, हर रेस्टोरेंट जाते हैं, हर रेस्टोरेंट, मतलब कराची में कोई चीचा बतनी में भी कोई रेस्टोरेंट खोलेगा तो मैं और मिनट जाएंगे। यार हम तो यहाँ नहीं गए थे। अरे भाई पिछले, नहीं हम तो नहीं गए थे यार, ये क्या बात कर रही है यार, डूड वी वेंट लास्ट वीक ओनली। सो हिज मेमोरी इज काइंड ऑफ लाइक दैट, लेकिन अपने काम के हिसाब से ही इज अमेजिंग, यू नो, उस वक्त काम मेरी बातों पे नहीं चलती मेमोरी, गजनी। वो ह्यूमन फोकस अपने काम के हवाले से, जिस चीज पे ज्यादा, नो नो नो, शी नीड्स फोकस, आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग, आप जो चीज जिम्मेदारी अपने ले लेते हैं ना, हाँ। उस पे आपका फोकस आ जाता है ज्यादा, या, तो आपकी मेमोरी ठीक रहती है। ये देखो ना, 28 साल हुए ना, तो मतलब वो शुरू हो गए आपको लेक्चरर बन के। सही बात है, तो 28 साल पहले भी मैं तो ऐसे ही था। हाँ। नहीं पता क्या, अच्छा कोई चेंज आया इनमें, आपको लगता है कि इनमें चेंज क्या आया? नहीं चेंज तो आया, जैसे क्या, ज्यादा वफादार हो गए? बहुत नहीं, वफादार तो पहले दिन से थे, बहुत हम्बल हो गए, कॉन्फिडेंस नहीं था इसमें, इस बात में कॉन्फिडेंस नहीं था, नहीं कॉन्फिडेंस से बोलो। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.